अंग प्रदेश की लोक आस्था का दो दिवसीय पर्व बिहुला विसेरी पूजा शनिवार को संपन्न हो गई, जिसके बाद पूजा समितियों के द्वारा प्रतिमा विसर्जन शोभा यात्रा निकाली गई। प्रतिमा विसर्जन यात्रा को लेकर शहर में अलग अलग मोहल्ले और चौक चौराहों से मां मनसा विसेरी, सती बिहुला, बाला लखेंद्र समेत माता विसेरी के अलग अलग रूपों के साथ अन्य प्रतिमा भी निकाली गई। वहीं सभी विसेरी मंदिरों के समीप पूरी आस्था और विधि विधान से माता के प्रतिमा की पूजा अर्चना कर विदाई देकर मंगल कामना की गई। इस दौरान काफी संख्या में बच्चों के साथ युवक युवती और पुरुष महिला श्रद्धालु मौजूद थे, जबकि शांति एवं सद्भावनापूर्ण माहौल में विसर्जन संपन्न कराने के लिए प्रतिमा के आसपास और विसर्जन मार्ग में जिला और पुलिस प्रशासन की ओर से जगह जगह पुलिस एवं सुरक्षा बलों की तैनाती की गई थी। दरअसल भागलपुर और आसपास के इलाकों में अंग क्षेत्र की लोक गाथा पर आधारित बिहुला विसेरी पूजा पूरे हर्षोल्लास और धूमधाम से की जाती है। भागलपुर के मिर्जानहाट, अलीगंज, इसाकचक, भिकनपुर, मंदीचक, खंजरपुर, तिलकामांझी समेत शहर के अलग अलग मोहल्लों और जिलों के तमाम ग्रामीण क्षेत्रों में मां मनसा की प्रतिमा स्थापित कर पूजा अर्चना की जाती है, जिसमें बाला लखेंद्र और सती बिहुला के अलावा भी कई प्रतिमा स्थापित की जाती है और काफ़ी संख्या में श्रद्धालु मनसा देवी की पूजा अर्चना कर डलिया भी चढ़ाते हैं। वहीं शुक्रवार को नाग कलश और मंजूसा विसर्जन के बाद शनिवार को बिहुला विसेरी प्रतिमा की विसर्जन यात्रा निकाली गई, जिसमें भक्ति गीतों के साथ फिल्मी धुनों पर युवा और श्रद्धालु थिरकते दिखे। हर एक साल चूँकि आप जान रहे हैं भागलपुर त्योहारों का मतलब है, यहाँ पर विभिन्न प्रकार की त्योहारें होती हैं, विसेहरी उसमें से एक है। और जो भी हम लोग का जो प्रोटोकॉल है उसके मुताबिक ज्वाइंट ऑर्डर से कंप्लीशन किया गया है। साथ ही साथ हर एक जुलूस के साथ आना तो है ही, साथ ही साथ QRT की टीम गठित की गई है, जुलूस के आगे और जुलूस के पीछे चल रही है। इसके अलावा वीडियोग्राफर, CCTV एवं ड्रोन की मदद से सभी जुलूसों में विशेष निगरानी रखी जा रही है, ताकि कोई भी असामाजिक तत्व अपना विधि व्यवस्था बिगाड़ने की कोशिश करें तो हम लोग पे नियंत्रण करते हुए उन पे कार्रवाई। हम लोग भागलपुर के एसएम कॉलेज सीढ़ी घाट पर गंगा स्नान करने के दौरान गहरे पानी में चले जाने से एक युवक डूब गया, जिससे उसकी मौत हो गई। बताया जा रहा है कि मृतक युवक एसएम कॉलेज के पास एक लॉज में रहकर पढ़ाई करता था और शनिवार को अपने दोस्तों के साथ स्नान करने सीढ़ी घाट गया था, जहां नहाने के क्रम में डूबने से उसकी मौत हो गई। वहीं इसकी जानकारी मिलते ही SDRF की टीम मौके पर पहुंची और गोताखोरों के द्वारा गंगा में युवक की तलाश शुरू की गई। वहीं युवक का शव बरामद होते ही गंगा घाट पर पहुंची बरारी थाना की पुलिस ने शव को अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए मेडिकल कॉलेज भेज दिया। मृतक युवक की पहचान मधेपुरा के पुरैनी निवासी 17 वर्षीय आदित्य राज के रूप में हुई है, जो अपने 3 दोस्तों के साथ सीढ़ी घाट पर नहाने गया था। वहीं मृतक आदित्य के दोस्तों ने बताया कि उन सभी ने आदित्य को डूबता देख बचाने की कोशिश की, जिसमें उन सभी का भी संतुलन बिगड़ गया, जबकि गंगा किनारे मौजूद लोगों ने उन लोगों को किसी तरह से तो बचा लिया, लेकिन आदित्य गहरे पानी में डूब गया। साथ ही युवकों ने कहा कि इस घटना से वे सभी काफी डर गए और वापस अपने लॉज में आ गए। बताया जा रहा है कि खंजरपुर सीढ़ी घाट पर मौजूद राकेश कुमार ने तीनों युवकों को डूबने से बचाया, लेकिन आदित्य डूब गया। अभी हम लोग देखिए विसेरी पूजा विसर्जन में और फ्लड का सीजन है, सुल्तानगंज से लेकर पूरे बटेश्वर स्थान तक SDRF टीम भागलपुर काम कर रही है। उसमें भी लोगों को काफी समझाने के बाद, जागरूक करने के बाद भी बच्चे छतों के ऊपर से चढ़ चढ़ के पानी में कूद रहे हैं। तो अभी आधा घंटा पहले हमें सूचना मिली थी, तो हमारी टीम ऑलरेडी मुसहरी घाट और SM कॉलेज घाट पूरा इसमें आज नहीं था, यहाँ पे कल से ड्यूटी होती है, बुढ़ानाथ घाट सब जगह विसर्जन में लगी हुई थी। जैसे हमें सूचना मिली हम आए वहाँ से, और हमारी टीम ड्राइवर और जो हमारे सिविल गोताखोर है उनके सहयोग से बॉडी को विद इन 10 मिनट में हमने निकाल दिया। भागलपुर में रफ्तार का कहर अक्सर लोगों की जान ले रहा है। ताज़ा मामला भागलपुर सबौर थाना क्षेत्र अंतर्गत लोकल हॉस्पिटल के समीप का है, जहां तेज रफ्तार ट्रैक्टर ने बाइक सवार को जोरदार टक्कर मार दी, जिसकी चपेट में आने से बाइक सवार युवक की मौके पर ही मौत हो गई। वहीं सड़क हादसे में एक व्यक्ति गंभीर रूप से घायल हो गया, जिसे स्थानीय लोगों की मदद से इलाज के लिए मायागंज अस्पताल में भर्ती कराया गया है। मृतक युवक की पहचान गोराडी निवासी
राहुल कुमार के रूप में हुई है, जो तिलका मांझी भागलपुर विश्वविद्यालय बीए पार्ट टू का छात्र था। बताया जा रहा है कि राहुल एक निजी क्लिनिक में मैनेजमेंट का काम करता था, जबकि घटना की सूचना मिलने के बाद परिजनों के बीच कोहराम मच गया। हुआ सर वहाँ पे अभी ट्रैक्टर वाला से एक्सीडेंट हुआ, एक लड़का इधर गिर गया सर, एक लड़का उधर रह गया, उसे का माथा पर चढ़ गया सर चक्का, माथा चढ़ गया तो ड्राइवर तो भाग गया सर, और ट्रैक्टर लगा नहीं लगले रह गया, पूरा गुद्दा इसका बाहर आ गया सर माथा का। दो आदमी था सर मोटरसाइकिल पर, एक आदमी इधर गिर गया सर, एक आदमी इधर गिर गया। भागलपुर जिलाधिकारी सुब्रत कुमार सेन के आवासीय परिसर की पश्चिमी दीवार शुक्रवार की देर रात हुई तेज बारिश के कारण करीब 70 से 80 फीट तक धराशायी हो गई। वहीं लगातार हुई बारिश से डीएम आवास परिसर की दीवार गिरने की सूचना मिलते ही भवन निर्माण विभाग के कार्यपालक अभियंता मौके पर पहुंचे और स्थिति का मुआयना किया। इसको लेकर कार्यपालक अभियंता ने कहा कि बारिश के कारण ही दीवार गिरी है और रात्रि के समय इतनी लंबी दीवार गिरने से कोई भी इसकी चपेट में नहीं आया है, जिससे जान माल की कोई भी क्षति नहीं हुई है। बता दें कि जिलाधिकारी आवास परिसर की दीवार जहां गिरी है, इसी सड़क से लोग जवाहरलाल नेहरू चिकित्सा अस्पताल मायागंज और कुप्पा घाट के साथ कई मोहल्लों की ओर जाते हैं, जबकि रात्रि और बरसात होने के कारण सड़क पर कोई आवागमन नहीं था, जिससे कोई बड़ा हादसा टल गया। इधर भवन निर्माण विभाग के कार्यपालक अभियंता ने कहा कि करीब 250 फीट लंबी दीवार काफी पुरानी होने के कारण क्षतिग्रस्त हो चुकी है और इसे तोड़कर मजबूत दीवार का निर्माण किया जाएगा। इसको जल्दी से जल्दी रिपेयर करके इसको फिर नया बाउंड्री वॉल, लगभग 260 फीट है अब ये टूटा हुआ, तो लगभग आपका दिख रहा है 70 फीट 70-75 फीट, लेकिन पूरा टेढ़ा हो चुका है 260 फीट। इसको पूरा को डिसमेंटल करके जल्दी से जल्दी इसको बनाने का कार्य शुरू करेंगे। गिरने का क्या कारण लग रहा है सर? गिरने का कारण रात बारिश बहुत तेज हुई थी और बाउंड्री वॉल भी पुराना है, बहुत पुराना है, इस कारण से नेचुरल समझिए। हाँ, बेसिकली यहाँ पे इतना रोड का मार्जिन है कि पब्लिक सब यहाँ तो नहीं रहा, लेकिन थोड़ा हल्का फुल्का चोट उट तो आ ही सकता था। रात में गिरा इसीलिए कुछ रात में गिरा तो फिर इससे और। डेंगू के कहर से भागलपुर के अस्पतालों में डेंगू मरीजों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है, जबकि मायागंज अस्पताल में भर्ती डेंगू मरीज की मौत के बाद अस्पताल प्रबंधन पूरी तरह से सतर्क नजर आ रहा है। वहीं भागलपुर सदर अस्पताल में भी डेंगू मरीजों की बढ़ती संख्या को देखते हुए सदर अस्पताल प्रबंधन ने इलाज और बचाव से संबंधित तैयारी तेज कर दी। बता दें कि भागलपुर जयप्रकाश नारायण सदर अस्पताल में डेंगू मरीजों के लिए 15 बेड का डेंगू वार्ड तैयार किया गया है, जबकि डेंगू समेत अलग अलग बीमारी से ग्रसित मरीजों के लिए सदर अस्पताल में पर्याप्त मात्रा में दवा उपलब्ध होने की बात कही जा रही है। साथ ही अस्पताल प्रबंधन की ओर से डेंगू वार्ड में मरीजों के लिए मच्छरदानी की सुविधा के साथ पर्याप्त मात्रा में दवा उपलब्ध कराए जाने की बात कही गई है, जबकि फिलहाल सदर अस्पताल डेंगू वार्ड में भर्ती डेंगू के 4 मरीजों का उपचार चिकित्सकों द्वारा किया जा रहा है। डेंगू को लेकर के हमारा सदर अस्पताल पूरी तरह तैयार है, जैसा कि आप देख रहे हैं कि हम लोगों ने यहाँ पर बेड की व्यवस्था कर रखी है, जो कि हमारा 15 बेड लगभग तैयार है, और जो हर एक बेड पर हम लोगों ने मच्छरदानी की व्यवस्था कर रखी है, एवं जरूरत जितनी ज़रूरत होगी पेशेंट को दवाई की या फिर जो भी फ्लूड चढ़ना है या फिर ORS देना है, वो सारा यहाँ पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध है। नहीं, डर तो नहीं है, लेकिन हम लोग पूरी तरह से क्योंकि मुस्तैद हैं, हमारी डॉक्टर की टीम 24 घंटे यहाँ अवेलेबल रहती है और प्रत्येक दिन मरीज का वो CBC के द्वारा हम लोग प्लेटलेट की जांच करवाते हैं कि वो किस स्तर तक पहुँचा है, जहाँ जैसा ज़रूरत पड़ता है उस हिसाब से हम लोग फिर उसकी ट्रीटमेंट की आगे व्यवस्था करते हैं। लगभग अभी पर डे अगर देखा जाए तो सिम्टोमेटिक 10 से 15 लोग आ रहे हैं, लेकिन एडमिशन की ज़रूरत नहीं पड़ रही है, इसलिए वो लोग खुद ब खुद बोलते हैं कि हम लोग घर जा रहे हैं, और हम लोग वैसा सलाह दे देते हैं कि अगर वैसी कोई ज़रूरत लगे तो अगर आप जब भी आना चाहें, आप लोगों के लिए पूर्ण व्यवस्था है। सर दर्द, चक्कर आना, गर्दन दर्द, कमर दर्द, लो बैक पेन, स्पॉन्डिलाइटिस, लकवा, पैरालिसिस, गठिया, साइटिका, पोलियो, घुटनों का दर्द, आर्थराइटिस, नसों का सूखना, फ्रोजन शोल्डर, लिगमेंट, कार्टिलेज, स्पोर्ट्स इंजरी, स्पाइनल कॉर्ड इंजरी, हाथ पैर सुन्न लगना जैसी अन्य बीमारियों का इलाज करवाए डॉक्टर प्रवीण कुमार झा, फिजियोथेरेपिस्ट, एडवांस्ड न्यूरो डायग्नोस्टिक एंड फिजियोथेरेपी सेंटर, ग्रामीण बैंक के नीचे, हटिया रोड, तिलका मांझी, भागलपुर, बिहार। कॉल करें 9431446600।
करना है क्योंकि पास में ही नागर महल है। मार्केटिंग करिए और रिलैक्स होने के लिए सैलून को जरूर यूज करें। स्पेशली ब्राइडल मेकअप के लिए इन्होंने जो अरेंजमेंट्स किए हैं, ऑल द प्रोडक्ट्स दे आर यूजिंग आर अंडर देयर प्रोफेशनल्स, सो यू कैन ट्रस्ट। पिछले कुछ दिनों से भागलपुर में डेंगू फिर से अपने पैर पसारने लगा है। दरअसल कुछ दिन पूर्व JLNMCH मायागंज में भर्ती एक डेंगू पीड़ित मरीज की मौत हो गई थी, जिसके बाद मायागंज अस्पताल प्रबंधन अलर्ट हो गया है। बताया जा रहा है कि प्रतिदिन डेंगू मरीजों की संख्या बढ़ती ही जा रही है, जिसके कारण अब तक मायागंज अस्पताल में डेंगू के 15 मरीज को भर्ती कराया जा चुका है। वहीं डेंगू मरीजों की बढ़ती संख्या को देखते हुए मायागंज अस्पताल प्रबंधन की ओर से डेंगू वार्ड भी बनाया गया है, जहां मरीजों के लिए पर्याप्त बेड और दवा की व्यवस्था की गई है। हालांकि पूर्व के अनुभवों और डेंगू मरीजों की बढ़ती संख्या को लेकर लोग किसी अनहोनी की आशंका से भयभीत हैं। मरीज 16 तारीख को 5 बजे शाम को लगभग भर्ती हुआ और 2 बजे सुबह 17 तारीख को उसकी मौत हो गई। और सर आपने अस्पताल में तैयारी किस स्तर से है डेंगू को लेकर के? पर्याप्त स्तर बेड वगैरह सर? बेड 20 बेड का अभी हम लोगों ने अलग से रखा है और जरूरत पड़ेगी तो बेड की संख्या हम लोग बढ़ा लेंगे। भागलपुर में गंगा का जलस्तर लगातार कम हो रहा है और बीते 5 दिनों में गंगा का जलस्तर 10 से 12 सेंटीमीटर नीचे चला गया है। वहीं गंगा का जलस्तर घटने से जिला प्रशासन के साथ इसके आसपास रहने वाले लोगों ने भी राहत की सांस ली है, जबकि गंगा का जलस्तर कम होने से निचले इलाकों में बाढ़ के खतरे की संभावना भी कम हुई है। बता दें कि बाढ़ से बचाव और राहत कार्य के लिए भागलपुर जिला प्रशासन की ओर से जिले की सभी गंगा घाटों पर 24 घंटे SDRF टीम की तैनाती कर दी गई है। साथ ही गंगा घाटों पर जिला प्रशासन की ओर से चौकसी बरतने का भी निर्देश संबंधित विभाग के पदाधिकारियों और कर्मियों को दिया गया है। विगत 5 दिनों से 10 से 12 सेंटीमीटर लगभग जो है जल स्तर घट रहा है और यहाँ राहत की सांस है, किसी तरह से कोई नुकसान की से इनकार किया जा सकता है।